हेलो बैठ ही रही हो बोल बोल मैं कह रहा हूँ क्या कह रही है सको जाएगा ना तब कुछ शॉट उठा रहा हूँ शॉट अबे शॉट उठा रहा हूँ तो फिर बोल 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 वो भी तुम्हारी तरह बन जाएगा अच्छा वो ज्यादा तेज है आया नहीं अभी वो कौन ये सब बजेगा वो सुनियो क्या बताऊं।
बस और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं। आहा, 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 सनराइज म्यूजिकल ग्रुप के सभी संगीतकार बंधुओं का मैं अनुरोध करूंगा, दादा अगर आवाज को सुन रहे हो तो अपने साथ के करीब पहुंचे। आदरणीय साहू जी जो आज यह मैया रात भजन बड़ी किस्मत से मिलती है भक्ति, और देखते हैं कौन कौन वो सौभाग्यशाली हैं जो आज माँ के निमंत्रण पर इस दरबार में पहुंचेंगे माँ की भक्ति करने के लिए। माँ का भव्य मंदिर सज गया, माँ के भक्त तैयार हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो संत महंत लोग होते हैं, ये जो कलाकार होते हैं, ये माध्यम बनते हैं आपको माँ से मिलवाने का। इनका आदर सत्कार बहुत जरूरी होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो आइए, माँ को निमंत्रण दे रहा है आज श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन युवा संगठन। यही कहते हुए क्या दरबार सज गया, तेरे भक्त आ गए, प्रतीक्षा है तेरी और तुम्हें निमंत्रण दे रहे हैं। यही कहते हुए तुमको हमें रोज आते रहे।
तो तुम्हारे नाम का भजन करते हैं और पूरे वर्ष भर मंदिर जी में आपकी मूर्ति के दर्शन भी करते हैं, क्योंकि राधेपुरी में माँ पद्मावती का भव्य मंदिर है। हमारे सभी मांगलिक रस्मकर्ता हमारे बीच आ चुके हैं और कुछ ही देर के बाद एक एक रस्म बड़े प्रेम से संपन्न कराएंगे। उसके बाद विधिवत इस कार्यक्रम का हम लोग शुभारंभ करेंगे। बनाकर भेज रहे हैं, आवाज इतनी मधुर नहीं है मेरी, लेकिन इसको बहुत सुंदर बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं पहावा साउंड यमुनानगर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच आदरणीय माध्यम से अनेकों ऑडियो वीडियो सीरीज में हमने सुना, अनेकों फिल्मों में हमने इनके हाथों का करिश्मा और इनके साज का करिश्मा देखा। तो आइए एक मधुर धुन दादा अपने सभी साथी बच्चों के साथ लेकर आ रहे हैं इस दरबार में। अच्छा अच्छा, देखिए ये है, एक ज्ञान वाली बात होती है कि बड़ों का आदर सम्मान क्यों जरूरी है। आदरणीय दादा का ये भाव है कि जितने यहाँ पर हमारे आदरणीय बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, पहले मैं उनके सम्मान में एक धुन बजाना चाहता हूँ। तो आइएगा पूरी कार्यकारिणी कमेटी आए हुए सभी मांग साहू जी।
तालियों से स्वागत करें आदरणीय साहू जी। जोरदार तालियां इन संगीतकार बंधुओं के लिए ज्वेलर्स का। क्षेत्र निगम पार्षद जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलते हैं, जैन समाज के कार्यक्रमों में सदैव अग्रसर रहते हैं, आदरणीय श्री संदीप कपूर जी का स्वागत। I'm
सबका भी स्वागत है। हले 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 तो आइए इसके बाद मैं निमंत्रण दे रहा हूं उस परिवार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी जैन धर्मो सुमंगलम। भक्ति करेंगे सभी नाचते गाते हुए और यही कहते क्या जो भक्ति करने आए एक बार दोनों हाथ सीधे करके बिल्कुल सीधे दोनों हाथ जो माँ के भक्त हैं बिल्कुल सीधे दोनों हाथ। कसम है आपको अपने पड़ोसी की अभी पता चल जाएगा किसको प्यार है किसको दुश्मनी। बिल्कुल सीधे दोनों हाथ और तालियों के साथ जाने क्या आज भैया की भक्ति कराएंगे आज भैया की भक्ति और इसके बाद अगला नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं जिन्होंने अखंड दीप प्रज्वलन करना है। मंगल कलश स्थापना पहले होगी फिर श्री 1008 चंद्र प्रभु जैन युवा संगठन सभी कार्यकर्ता पहुंचे और मंगल कलश की स्थापना कराएं। और हमारे बीच क्या बात है दादा जय हो जय पारस चैनल से भाई विपिन जैन उनका भी स्वागत करते हैं। मान को रखे और यही कहते हैं क्या एक मंगल कलश झूमने के बाद
आओ प्रधान जी आओ जी Oh,
पंडित जी नहीं जो जुड़ा होगा पहला करेंगे सब हाँ जोड़े से एक जाओ सर भी आप आभार व्यक्त करेंगे पंचमी में विश्राम श्री पंच से बाकी को बधाई करेंगे और इसके बाद फूलों के हार अर्पण करेंगे श्री धीरज जैन प्रणव जैन भाई बड़ा ही
मधुर स्वभाव और उसी भाव से ये हमारे इससे मेरा थोड़ा फेस घुमाएंगे ये श्रीमती शीला जैन अध्यक्ष राधेपुर जैन मंदिर श्री राकेश कुमार जी जैन श्रीमती राजरानी जैन श्रीमान मुकेश जैन श्रीमती अंजू श्री विनय जैन और श्रीमती दीपांशु जैन श्री विनय जैन दीपांशु जैन श्रीमती कविता जैन अगर मैं भूल चूक रह गई हो किसी के नाम की तो वो हमसे संपर्क करें अब ये स्टेज और मैडम बिल्कुल खाली कर दीजिए तो आइए ना इंतजार के लोगों को सलाम नाम की भक्ति करने के लिए आप सभी के चिर परिचित भक्तों नीचे से पीछे ये जीना ठहरा दीजिए थोड़ी देर के लिए वहां से जीना ठहरा दीजिए थोड़ी देर उस आवाज को जिसे सुनने के लिए हम लालाए थे लेखनी का जादूगर मां सरस्वती का पुत्र बुंदेलखंड की भूमि से चला है सप्त शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी को निजात का आशीर्वाद लेकर सभी संतों का सरस्वती नमः
मस्त भ्यो वरते प्रांगण में इस मंदिर में विराजमान है। एक बार दोनों हाथ पुनः उठाकर उनका जयकार कर लीजिए। बोले परम पूज्य मुनि श्री सुरेंद्र सागर जी महाराज की, बोले महामृत्युंजय वाले बाबा की। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, अरिहंतों के लिए खुल गए हो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार
आचार्यों के आचारों पर आचरण करे, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करे, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करे। स्वामी की काया हुई कंचन, सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन, सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन। सोमाने किया जाप तो, सोमाने किया जाप तो विषधर नाग बना परिहार। वो डॉक्टर जिसकी लगती नहीं है फीस, नमोकार वो डॉक्टर जिसकी लगती नहीं है फीस। अभी देखो ठंड तो आई गई है और दिल्ली में आजकल एक और प्रकोप है, दिल्ली में किसी ना किसी चीज का प्रकोप तो रहता ही है, कभी चिकनगुनिया का कभी डेंगू का। अब सबसे निजात मिली हुई है तो थोड़ा ये पोल्यूशन परेशान कर रहा है ना। तो जो भी दवाइयां उपचार है वो लो, लेकिन साथ में एक डमोकार की माला रोज कर लिया करो, क्योंकि डमोकार वो वैद्य की जिसकी लगती नहीं है फीस, जादू करते पांच परम पद के अक्षर 35, जादू करते पांच परम पद के अक्षर 35। केवल सुमिरन करने मात्र से हो, केवल सुमिरन करने मात्र से हो जाता उपचार। डमोकार देखिए मुझे याद आना चाहिए, दो साल पहले राधेपुरी के श्रोताओं को जैसे छोड़ के गया था वैसे आज तक है। हो ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, ये बात परिणमों का। ओ नागर नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया, नागर नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया, रमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया, रमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया। पद्मावती धरणेन्द्र हुए वे हो, पद्मावती धरणेन्द्र हुए वे कर्त्रिय जगति पर। जपते रहो नमो का ओ भक्तों मरते दम तक, सुने जपते रहो नमो का। गाएंगे जपते रहो नमो का ओ भक्तों, कब तक जपते रहो नमो का ओ भक्तों, मरते दम नहीं
अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक मुक्ति न पाओ तुम जिस दिन तक जपते रहो नमो भक्तो नम तक जपते रहो नमो भक्तो अगले जन्म ने सात जन्म तक मुक्ति न पाओ तुम जिस दिन तक जपते रहो नमो मरते दम तक जपते रहो नमो भक्तो मरते दम तक इस महामंत्र से नाग नागिनी दर्शन कौसुली से मुक्ति मिली राजित हुए अंजन चोर का अंजन चोर का कष्ट निवारा पत्रण मुकारा। अच्छा एक बार ईमानदारी के साथ अपना मुकार मंत्र का जाप और कर लिया जाए फिर अगला गीत गाऊंगा। नमो अरिहंताणो नमो सिद्धाणो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ संगीत नहीं आवाज इनकी चाहिए। नमो अरिहंताणो नमो वज्रयाणो नमो लोए सब साहुणो नमो कार नमो कार इसको जपोगे तो मिटेंगे सारे हम बोले हम बोले हम बोले हम तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो तुम बोले हम बोले हम बोले हम तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो तुम ओम नमो अरिहंताणो ओम नमो सिद्धाणो पारस नाम में
अक्षर को घटाए पाछूते तो रस रहे शेष जो राछूते तो पास बुलाए साछूते तो पार लगे जो पार लगे जन्मों के दुख जाए और तीनों अक्षर पास जो रखे उसे चिंतामणि स्वर्ण बनाए। इसीलिए कहना है क्या जो भी डूबे प्रभु की मस्ती में लग गए चार चांद हंसी जिंदगी में उनकी बदलाव हो गया। अब देखिए किनकी जिंदगी में बदलाव हो जाता है। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। अरे जा मिली है वो नदी सागर में जरूर जा मिली है वो नदी सागर में जरूर जिस सखी राह पे बहाव हो गया। जिस पार्श्वनाथ से लगाव हो गया दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। अरे जा मिली है वो नदी सागर में जरूर जिसका तीरा पे बहाव हो गया। जिसको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। जा मिली है वो नदी सागर में जरूर जिसका ठीक राह पे बहाव हो गया। जिसको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। कोई नहीं।
कितना धीरज हो जाता है वो तो प्रतीक भगवान धीरज के हैं। सोचिए जो मुनि अवस्था में तप में ध्यान लीन हो और अंबर से ओले शोले पत्थर बरस रहे हो और क्षण मात्र भी ना डिगे, उनके अंदर कितना धीरज है। तो उनके भक्तों के अंदर कम से कम इतना धीरज हो या होता है कितना। हर हाल में खुश रहने का स्वभाव हो गया, हर हाल में खुश रहने का स्वभाव हो गया, पूरी जिंदगी से हर अभाव हो गया, चित्त पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, पूरी जिंदगी से हर अभाव हो गया। पार्श्वनाथ से अलगाव हो गया होना नहीं चाहिए कभी भी किसी का भी, लेकिन फिर भी जिनका पार्श्वनाथ से अलगाव हो गया उनकी जिंदगी में बस तनाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया पूरी जिंदगी से हर अभाव हो गया। पार्श्वनाथ से लगाव हो गया पूरी जिंदगी से हर अभाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया पूरी जिंदगी से हर अभाव हो गया।
के साथ कई मंचों पर बैठा भी, गाया भी, और अपने बेटे की तरह उन्हें मुझे प्यार भी दिया, बहुत कुछ सिखाया भी, और वही कारण है कि आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ। इतना सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है। जब दादी दादू के जाने के बाद मैं भाभी के पास जाता हूँ, एक ही बात वो मुझसे कहते हैं कि दादू को तुमसे बहुत उम्मीद थी और है कि जब तक तुम हो और जब तक दादू के बनाए गीत हैं, तब तक उनका नाम कहीं ऐसा नहीं होगा कि लोगों के जहन से एक मिनट के लिए भी भूल जाए। मैंने कहा मेरी तो क्या विश्वास, दादू जो लिख गए गा गए वो अपने आप में ऐसा है कि उसको लोग अपने इस जीवन में, जब तक ये जैन धर्म है, जब तक उनके भजनों को भुलाया नहीं जा सकता। अगर मेरी बात से इसके एग्री करते हो तो श्रद्धांजलि की तालियां भेज दीजिए ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय भाभी दिव्य प्रभा जी, दादू की धर्म पत्नी, उनकी बहुत प्रेरणा से कहना चाहिए। मैंने एक नया एल्बम अभी तैयार किया है जिसमें महामस्तक अभिषेक के लगभग 10 गीत रिकॉर्ड हैं। अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है एल्बम, लेकिन चाहता हूँ कि कुछ पंक्तियां अपनी और कुछ दादू की। देखिए ऐसे होते हैं प्यारे लोग, ये देखिए जो इनकी आंखों से पहर बह रहा है ना, उनको याद करके, उनके भजनों को याद करके उनकी आंखों से आंसू बह गए। ऐसा प्यार होता है, और वो उसको ही हो सकता है जो दिल से उनको सुनने वाला हो। मैं नमन करता हूँ आपकी श्रद्धा को, भगवान करे हर व्यक्ति की श्रद्धा ऐसी उनके प्रति हो। ये हंसने मुस्कुराने की बात नहीं है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। आप किसी को दिल से चाहते हो तो उसकी याद आपकी आंखों में आंसू ला सकती है, ये बड़ी बात नहीं है। चलिए बहरहाल मैं चाहता हूँ अगर आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो, तो बाहुबली के लिए कुछ पंक्तियां गा दूं। अगर आप तालियां भेज देंगे तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी। मैं वो भी सुनाऊंगा, आदरणीय राजू भैया कह रहे हैं कि जब दादू को याद करेंगे हम कभी भी, तो एक गीत अगर मस्तक अभिषेक याद आएगा तो दूसरा विमल सागर जी का भी आएगा, तो दोनों की पंक्तियां सुनाऊंगा। चाहता हूं कि हम चूंकि स्वागत के बिल्कुल मोड़ पर खड़े हैं, अब नए वर्ष में भगवान का मस्तक अभिषेक होने वाला है, तो जो मैंने एक गीत संजोया है वो भी आपको सुनाता हूं, और उसके साथ दादू की रचना तो अमर है ही, उसके आगे तो कोई क्या लिखे क्या गाए, तो आनंद लीजिए इस गीत का। दादा एफ शॉप से माइनर थी। मस्तक अभिषेक हो, मस्तक अभिषेक महा मस्तक अभिषेक, श्री बाहुबली का नभन कराने जुड़ रहा सारा देश, फिर नील क्षीर की धाराओं में भीगे गोते, मस्तक अभिषेक मस्तक अभिषेक हो, मस्तक अभिषेक महा शुभ सुनंदा के नंदन पोतनपुर राज के स्वामी, ऋषभ सुनंदा के नंदन पोतनपुर राज के स्वामी, चक्रवर्ती का मान तलन कर हुए वीर जगनामी, चक्रवर्ती का मान तलन कर हुए वीर जगनामी, त्यागी भ्रात विजय कर धुए विरागी, मन को चले मन सर्वस त्यागी, निष्काम हो गए कामदेव तज रन वैभव हरवे, श्री बाहुबली का नभन कराने जुड़ रहा सारा दे, मस्तकाभिषेक महा
अभिषेक मस्तक अभिषेक आहा मस्तक अभिषेक बीते वर्ष सहस्त्र मूर्ति कब की गढ़ी हुई खड़े तपस्वी का प्रतीक बन कब की खड़ी हुई खड़े तपस्वी का प्रतीक बन कब की खड़ी हुई श्री चामुंडी राय की माता इसका श्रेय उन्हीं को जाता श्री चामुंडी राय की माता इसका श्रेय उन्हीं को जाता उनके लिए गढ़ी प्रतिमा से लाभान्वित प्रत्येक बाहुबली भगवान का हस्त का अभिषेक ओ हस्त का अभिषेक महामस्त का अभिषेक पर नर नार चले कलशों में नीर भरे होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे नीर क्षीर की बहती धारा फिर भी नाभि का तन सारा नीर क्षीर की बहती धारा फिर भी नाभि का तन सारा ऐसी अन्य विशाल मूर्ति का कहीं नहीं उल्लेख धन्य धन्य वे लोग जो आज रहे सर पे मस्तक का अभिषेक बाहुबली भगवान का मस्तक का अभिषेक ओ मस्तक का अभिषेक हाँ मस्तक का अभिषेक बोलिए गोमिनेश्वर बाहुबली भगवान की जय। बस चार लाइनें आपको एक और अभी राजू भैया बोल के गए हैं जी 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 एक लुटिया वो जो आदरणीय गुरुदेव डीपी कौशिक जी ने गाई और एक लुटिया वो जो अब आप सुनेंगे रूपेश जी के मुख से। मैं आपको बता दूं ये सारी रचनाएं रूपेश जी ने स्वयं लिखी हैं और स्वयं गाई हैं। यूं तो लगभग इनके 400 साढ़े 400 वीडियो सीरीज एल्बम आ चुके हैं लेकिन मेरी उम्मीद है कि सबसे सुपर हिट एल्बम 2018 में भाई रूपेश जी का आ रहा है। एक बार जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद दें। उसी से सुना रहे हैं बुढ़िया की लुटिया। ये कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ उसके बाद हम नए गीत की ओर चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि जितना प्यार देखिए वो तो लेजेंड्स थे चाहे आदरणीय दादू रविंद्र जैन हो उनकी तो बात ही क्या लेकिन डीपी कौशिक जी भी उनका ये भजन हमारे गीत लिखा है। स्वामी जी की बड़ी इच्छा थी कि लुटिया और बुढ़िया को लेकर बुढ़िया के ऊपर कोई एक भजन आप दोबारा से ऐसा लिखें जो लोगों की नजर में आए दिल में बसे। तो मैं आज आपको ट्रायल सुनाता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। देखिए माइनर दीजिए पे भारी पड़ गई छोटी लुटिया अज बड़े बड़े कलशों पे भारी पड़ गई छोटी लुटिया भीग उठे सर्वांग प्रभु और देखती रह गई दुनिया गुल का जी ने किया कमाल करके बाहुबली का प्रचार गुल का जी ने किया कमाल करके बाहुबली
बाहुबली की बनवाए, बाहुबली की बनवाए। प्रथम मस्तक अभिषेक मंगल बेला थी जिस दिन आई, बेला थी जिस दिन आई। हर भर कल से नीर क्षीर मस्तक पर गए धुराए, किंतु कोई भी प्रतिमा सर्वांग भिगा ना पाए। उल्लिखा जी ने किया कमाल करके बाहुबली का प्रचार, उल्लिखा जी ने किया कमाल करके बाहुबली का प्रचार। तो क्या हुआ, कहाँ रह गई चूक मन चामुंडराय ने मन में किया, कहाँ रह गई चूक मन चामुंडराय ने मन में किया। मन है किसी का व्यक्त ये कारण नील चंद्र गुरुवर ने दिया। जब चामुंडराय जी ने पूछा कि हे मुनिराज ऐसी क्या गलती हो गई होगी जो इतने भर भर के कलशे भगवान के सिर से ढारते हैं लेकिन सब नाभि के नीचे लुप्त हो जाते हैं, कोई तो कारण होगा। नेमिचंद्र जी ने कहा, राजन यहाँ कोई तो ऐसा है जो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, जिसका मन दुखी है और इसी वजह से भगवान भी संतुष्ट नहीं है। तो कहाँ रह गई चूक मनन चामुंडराय ने मन में दिया, मन है किसी का व्यथित ये कारण नेमिचंद्र गुरुवर ने दिया। कौन यहाँ है असंतुष्ट उसे ढूंढे जनता सारी, तब सबकी नजरों में आई एक बुढ़िया बेचारी। उल्लिखा जी ने किया कमाल करके बाहुबली का प्रचार, उल्लिखा जी ने किया कमाल करके बाहुबली का प्रचार। अब जब उस प्रथा पर नजर पड़ी सबकी जो बार बार अभिषेक करने की लाइन में लग जाती और लोग फुटकार के बाहर कर देते कि जहां बड़े बड़े कलशों से राजे महाराजे भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे तू इतनी सी लुटिया में जल लेके आ गई। तो एक लुटिया भर दूध हाथ में लिए गुल्ली का मात खड़ी, लिए गुल्ली का मात खड़ी। ले राजन की आज्ञा प्रभु अभिषेक करन को शिखर चढ़ी, अभिषेक करन को शिखर चढ़ी। जैसे ही वृद्धा ने लुटिया प्रभु के सर से धारी, जैसे ही वृद्धा ने लुटिया प्रभु के सर से धारी। बह गई दूध की नदियां मानो भीगी प्रतिमा सारी, उल्लिखा जी ने किया कमाल करके बाहुबली का प्रचार, उल्लिखा जी ने किया कमाल करके बाहुबली का प्रचार। चामुंडराय के मन में जो बात आ गई थी कि देखो मेरी माँ ने चाहा और मैंने कर दिखाया, इस पहाड़ को तराश कर 57 फीट उत्तुंग भगवान की प्रतिमा बना दी मैंने, उस प्रतिमा के साथ 57 फुट से ऊंचा जो मान कषाय का स्तंभ बन गया था चामुंडराय के मन में, वो एक पल में एक क्षण में ध्वस्त हो गया। इसलिए एक
देख दृश्य चामुंडी राय के मन से मान का गलन हुआ। देख दृश्य चामुंडी राय के मन से मान का गलन हुआ। भक्ति की है शक्ति श्रेष्ठतम सत्य सिद्ध यह कथन हुआ। भक्ति की है शक्ति श्रेष्ठतम सत्य सिद्ध यह कथन हुआ। तो अभी आह्वान है परंपरा वही चलो सभी ज्यों की ज्यों अपनाए। जैसे बुढ़िया ने थकिया वैसा अभिषेक कराए। कुल बाहुबली का प्रचार।